फाइनली द ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट। ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट किस तरह से काम करता है? देखो यहाँ ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट की लॉजिक ये है, जो अभी तक हमने एक्सचेंज रेट पढ़े, जरा मैं उन सबको एक साथ देखूं। फ्लोटिंग फिक्स्ड और मैनेज फ्लोटिंग का जो पर्पस था ना, वो सिंपल एक्सचेंज रेट की इंटरनेशनल वैल्यू डिटरमिन करना था, नॉमिनल एक्सचेंज रेट बन रहा था। जो परचेजिंग पावर पैरिटी पढ़ा था, उसका पर्पस ये था कि दोनों करेंसीज की एक्चुअल परचेजिंग पावर्स कंपेयर करनी। ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट एक करेंसी की इंडेक्स वैल्यू दे रहा है, नॉट अगेंस्ट वन करेंसी। देखो इससे पहले हमने जितनी करेंसी देखी थी ना, रुपी अगेंस्ट डॉलर, डॉलर अगेंस्ट पाउंड, या परचेजिंग पावर पैरिटी में मैं कंपेयर करता रुपी अगेंस्ट टका, सो इट्स बेसिकली कंपैरिजन ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर। व्हाट ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट इज डूइंग इज ये एक इंडेक्स बना रहा है, नॉट जस्ट फॉर वन करेंसी बट विद अ बास्केट ऑफ करेंसीज। सही है, बहुत बेसिक बात है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। हम करेंगे क्या, दैट एक आइडेंटिफाई करेंगे कि कंट्री किन किन करेंसी से, किन किन कंट्री से ट्रेड करती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि एक कंट्री ए है जो यूएस से भी ट्रेड कर रही है और यूके से भी ट्रेड कर रही है। दैट मीन्स इसकी ट्रेडिंग जो है वो डॉलर्स में भी हो रही है और पाउंड्स में भी हो रही है। आई शुड राइट दिस डाउन एक्चुअली। सही है, इसकी जो ट्रेडिंग हो रही है वो डॉलर्स से भी हो रही है और इसकी ट्रेडिंग पाउंड से भी हो रही है। एंड आई एम सेइंग इट्स ओनली ट्रेडिंग विद दीज टू कंट्रीज। सही है, सो दैट मीन्स द ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ द कंट्री विल बी विद दीज टू कंट्रीज। सही, लेट्स से 30% इसकी ट्रेड हो रही है यूएसए एंड 70% ट्रेड जो ये कर रहा है वो कर रहा है ये यूके से। ये ट्रेडिंग प्रोसेस बना दिया कि इसकी ट्रेड का 30% यूएस से और 70% यूके से। सही है, अब हमें करेंसी की वैल्यू बना दी है नॉट अगेंस्ट यूएस ओनली, नॉट अगेंस्ट यूके ओनली, हमें करेंसी की वैल्यू निकालनी है अगेंस्ट ऑल द कंट्रीज दैट इज ट्रेडिंग विद एज एन इंडेक्स। सही है, उसके लिए क्या किया करे किया जाएगा, जिस तरह कोई भी करेंसी ली जाती है, अब ये जो जो वेट्स इसके असाइन है दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रेड। 30% ट्रेड अगर यूएस डॉलर से हो रही है तो यूएस डॉलर के अगेंस्ट उसका वेट 30% हो गया, और 70% अगर यूके पाउंड से हो रही है तो 70% वेट हो गया यूके पाउंड का। सही है, अगर आपको डेटा दिया जाता है कि 10% ये अप्रिशिएट कर रही है अगेंस्ट, मैं एग्जांपल इसी तरह से लिख रहा हूं कि अगर ये जो कंट्री ए की करेंसी है, मैंने कहा 30% विद डॉलर्स एंड 70% विद पाउंड। सही, और साथ में हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि इस कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट करती है, लेट्स से एप्रिशिएट करी है 10% अगेंस्ट डॉलर्स एंड लेट्स से 20% अगेंस्ट पाउंड्स, एप्रिशिएट करी है। सो हमसे पूछा जा रहा है कि इसको देख के ये बात बताओ कि करेंसी का ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट आएगा। सही है, वी अंडरस्टैंड दैट अगर इंडेक्स है तो बेस वैल्यू, तो इंडेक्स वैल्यू में बेस वैल्यू तो 100 ही होती है। जिस तरह हम लोग प्राइस चेंज को देखते थे ना कि समिशन, जब हम लोग जब इन्फ्लेशन रेट या प्राइस चेंज निकाल रहे होते तो हम क्या करते थे, हम कहते थे परसेंटेज चेंज इन प्राइस इनटू वेट समिशन डिवाइड बाय सम ऑफ वेट, इस तरह से निकालते थे। यहाँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं है, जाहिर है यहाँ जो चेंज आया है वो एक्सचेंज रेट में आ रहा है बिकॉज हम करेंसीज की वैल्यू ले रहे हैं। बेसिकली हमने क्या किया, ये कंट्री अगर इन्हीं दो करेंसीज से ट्रेड करती है तो हमने इन दो करेंसीज की एक बास्केट बनाई है और वेटेड बास्केट बनाई है, क्योंकि वो ट्रेड जितनी करी हमने वो भी काउंट करी। सही है, सो यहाँ पे हो जाएगा यूएस के अगेंस्ट क्या होगा, उसकी एक्सचेंज रेट चेंज हुआ है 10% और उसकी जो वेट है वो है 0.3। सही है, प्लस 20% परसेंटेज हटा दो, सॉरी हाँ 20% इंटू 0.7 डिवाइड बाय 0.3 प्लस 0.7। सो यहां जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 + 14 = 17% की वैल्यू आ रही है। और ये 17% की जो वैल्यू आ रही है ये बेसिकली क्या बता रही है कि करेंसी का जो कंट्री करेंसी है 17% कैसे निकाल 3 + 14 = 17% ऊपर गलत निकालो, अच्छा वेट इज वेट गलत लिए थे मैंने, डिफरेंटली गलत ही डिफरेंटली। सो हाँ, तो इससे हमें क्या बात पता चली कि करेंसी जो कंट्री की करेंसी है वो अप्रिशिएट करी है 17% अगेंस्ट ऑल अदर, ऑल अगेंस्ट द बास्केट ऑफ द करेंसी। सही है, जो बास्केट जिसमें पाउंड्स और यू और डॉलर्स दोनों है उसके अगेंस्ट इससे 70% अप्रिशिएट किया है। एंड दैट मीन्स करंट एक्सचेंज रेट इंडेक्स आएगा 117, अगर बेस ईयर 100 था तो अभी 117 आ जाएगा। ठीक है, सो ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट किसी एक करेंसी के अगेंस्ट कंपैरिजन नहीं कर रहा होता, बल्कि कंट्री जिस कंट्री से ट्रेड करी है उन सब के लिए कंबाइंड करके बास्केट ऑफ करेंसी बना के उसके अगेंस्ट एक इंडेक्स वैल्यूज दे रहा होता है। आई होप दिस इज क्लियर, इज दिस क्लियर, यस और नो?